ग्रोफ अलर्ट जारी हुआ है जिसमें कहा गया कि जून के लास्ट वीक में टेम्परेचर जो है वो 4-6 डिग्री अबव एवरेज जा सकते हैं, तो इसका इम्पैक्ट मुख्तलिफ सेक्टर्स पे पड़ सकता है। तो जैसे आपको पता है कि जीबी जो है वो एक फ्रेजाइल इकोसिस्टम रखता है, तो अगर थोड़ी सी वेरिएशन हो टेम्परेचर की तो इसमें ग्लेशियर्स की मेल्टिंग बढ़ सकती है, क्योंकि हमारे ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो ग्लेशियर्स के पास सेटल्ड है, तो अगर इंक्रीज मेल्टिंग होगी तो हमारे स्ट्रीम्स और रिवर्स में पानी का बहाव बढ़ सकता है और करीबी जो आबादियां हैं वो इससे मुतासर हो सकती हैं और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इससे डैमेज हो सकता है। तो लास्ट ईयर हमने अनप्रेसिडेंटेड फ्लड्स विटनेस किए हैं जिसमें 113 हमारे इवेंट्स रिपोर्ट हुए थे जिसमें 55 सस्पेक्टेड ग्रोफ इवेंट्स थे। तो क्योंकि जी भी एक बड़ा ग्लेशियटेड एरिया रखता है, अप्रोक्सीमेटली 15,000 स्क्वायर किलोमीटर्स पे यहाँ पर ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से देखा गया कि एवरेज टेम्परेचर जो है वो साल हर साल बढ़ रहा है और ग्लेशियर्स की डिप्लीशन जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है। तो इसमें हमारी जो लोकल पॉपुलेशन है उसमें एक तो फूड इनसिक्योरिटी का ज़्यादा जो है वो खर्चा है कि वो बढ़ जाए फूड इनसिक्योरिटी, क्योंकि वेदर पैटर्न चेंज होने की वजह से जो ग्लेशियर्स की मेल्टिंग है वो भी चेंज हो रही है। तो नॉर्मली ग्लेशियर्स अप्रैल के एंड तक पिघलना स्टार्ट हो रहे थे, लेकिन इस बार जो है वो विंटर्स प्रोलॉन्ग हुए हैं और जून के मिड तक हमने देखा कि ग्लेशियर्स से जो है वो पानी के बहाव जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन अभी जून में अचानक ये एक हीट वेव आई है जिसकी वजह से इंक्रीज मेल्टिंग हमने देखा है ग्लेशियर्स में। तो जी पॉपुलेशन बड़ी स्केटर्ड है, ऐसा नहीं कि सारे लोग वो भी अपनी खुराक और पानी के लिए ग्लेशियर्स पे जो है वो इंतजार करती है, तो अगर ज़्यादा ग्लोफ के इवेंट्स होंगे और फ्लडिंग होगी तो ह्यूमन पॉपुलेशन पे जो है इसका बड़ा बुरा असर हो सकता है। इंक्रीज टेम्परेचर की वजह से एक तो ग्लोफ की लो फ्लडिंग हो सकती है और या एक मेजर फ्लड इसकी वजह से आ सकता है। तो एक मेजर फ्लड उस वक्त हो सकता है जब टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ग्लेशियर सर्च करे और किसी स्ट्रीम या किसी दरिया को जो है वो बंद करे और उसकी वजह से डैम बने और थोड़े अरसे तक वो पानी वहाँ जमा हो और फिर एक और ब्रस्ट हो और एक मेजर फ्लड की वो शक्ल ले लें। तो